नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं वीडियो लेकर आई हूँ कुंभ लगन व मीन राशि के लिए वर्ष 2025 का वार्षिक राशिफल। सबसे पहले आपको नव वर्ष की बधाई कि ये वर्ष आपके लिए शुभ जाए और माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी करें। अब हम सबसे पहले समझें कि कुंभ लगन व मीन राशि का क्या अर्थ है। यह आपकी लगन कुंडली है। पहले भाव में 11 नंबर लिखा है, इसका अर्थ है आपका कुंभ लगन है। चंद्रमा दूसरे भाव में 12 नंबर में बैठा है, इसका अर्थ है आपकी मीन राशि। यानी आपका कम्बिनेशन अगर कुंभ लगन व मीन राशि का बनता है तो आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। अब हम ग्रहों की बात करें कि वर्ष 2025 में कुंभ लगन व मीन राशि पर ग्रहों की क्या स्थिति होगी। कुंभ लगन पर 30 मई 2025 से राहु का गोचर रहेगा। राहु कुंभ राशि में रहेंगे। शनि महाराज मीन राशि में चल रहे हैं दूसरे भाव में कुंभ लगन से। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति चौथे भाव में होंगे और 14 मई 2025 से पंचम में आ जाएंगे जहाँ का शुभ फल देते हैं, और 20 अक्टूबर 2025 से वो छठे भाव में आ जाएंगे। केतु का गोचर सप्तम में है। मीन राशि पर इस समय शनि की 7.5 चल रही है और शनि महाराज 30 मई 2025 से मीन राशि में ही गोचर करेंगे। वर्ष के आरंभ में देवगुरु बृहस्पति तीसरे भाव में होंगे जहाँ वो इतने शुभ नहीं है, और 14 मई 2025 से चौथे भाव में होंगे, वहाँ भी इतने शुभ नहीं है। लेकिन 20 अक्टूबर 2025 से 4 दिसंबर 25 तक जो वो पंचम भाव में होंगे जहाँ का वो शुभ फल देते हैं। राहु कुंभ मीन राशि से द्वादश में होंगे और केतु छठे भाव में होंगे। ये ग्रहों की स्थिति है कुंभ लगन व मीन राशि के लिए। ध्यान रखिए मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अब हम देखते हैं कि कुंभ लगन व मीन राशि के लिए सबसे पहले कैरियर की अगर हम बात करें तो कैरियर के लिए वर्ष का महत्वपूर्ण समय कौन सा है जब आप कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय ले सकते हैं। वो वर्ष का समय शुरू होता है आपका 14 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 तक। ये बहुत अच्छा समय है कि आप 14 मई 2025 से 4 दिसंबर 2025 के बीच में आपको कैरियर से जुड़ा कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय लेना है। आप व्यापारी हैं, कोई भी महत्वपूर्ण काम करना है, वैसे भी आपको जीवन का कोई महत्वपूर्ण काम करना है जो आप सोच रहे थे कि वर्ष 2025 में करें, तो उसका करने का समय है 14 मई से 4 दिसंबर। इस वर्ष आपको 14 मई से लेकर 4 दिसंबर के बीच में कैरियर में नए अवसर मिल सकते हैं। आप लंबे समय से जॉब बदलना चाहते थे तो जॉब बदल सकते हैं। अगर आपके पास जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल सकती है। वर्तमान जॉब में आपकी प्रमोशन हो सकती है। व्यापार में अगर आप कुछ नया करना चाहते थे उसके करने के लिए बहुत अच्छा समय है 14 मई से 4 दिसंबर। और इस वर्ष अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं और बाई चांस आपको जॉब नहीं मिल रही तो आप ऐसा करिए, स्थान परिवर्तन करिए। स्थान परिवर्तन करने से आपको फौरन लाभ होगा और आपको जॉब मिल जाएगी। तो ये क्योंकि जब शनि की 7.5 चलती है तो शनि महाराज जो है ना आपको कुटुंब से दूर सफलता देते हैं। तो मीन राशि पर शनि की 7.5 चल रही है। अगर आपको लग रहा है कि मुझे जॉब नहीं मिल रही, जैसे हम जो जॉब चाहते हैं वो नहीं मिल रही, तो आप जगह बदलिए तो आपको जॉब मिल जाएगी। और कुंभ लगन व मीन राशि के वो जातक जो विदेश जाने की सोच रहे थे या फॉरेन सेटलमेंट की सोच रहे थे, तो उसके लिए बहुत बढ़िया समय है। अब हम आपके पारिवारिक व सामाजिक जीवन की बात करें। विद्यार्थी वर्ग की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए शानदार समय है क्योंकि 14 मई से पहले कुंभ लगन से गुरु पंचम में गोचर करेंगे, फिर मीन राशि से गुरु पंचम में गोचर करेंगे। तो आपके लिए पढ़ाई में आपका मन लगेगा। अगर आप प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत बढ़िया समय है। जो दंपति संतान प्लान करना चाहते हैं तो वो 14 मई से 4 दिसंबर के बीच में संतान प्लान कर सकते हैं। इस वर्ष आपके घर में सुख समृद्धि का माहौल रहेगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे और इस वर्ष क्योंकि पहले लगन से फिर राशि से गुरु की दृष्टि लगन पर रहेगी। गुरु की दृष्टि लगन पर रहने का अर्थ है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, हमारे निर्णय सही जाएंगे, हमारी सोच पॉजिटिव होगी और प्रेम संबंधों के लिए भी समय बहुत ये वर्ष काफी अच्छा जाने वाला है। अब हम देखते हैं कि इस वर्ष हमें सावधानी क्या क्या रखनी है। देखिए, कुंभ लगन से सप्तम भाव में केतु का गोचर हो रहा है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपस में तनाव पैदा करता है और केतु का गोचर हो रहा है इसलिए दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार का तनाव हो सकता है, जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर चिंता हो सकती है। और अगर आपका व्यापार पार्टनरशिप में है तो ध्यान रखिएगा, पार्टनरशिप में समस्याएं आ सकती हैं, पार्टनर से आपकी गलतफहमी हो सकती है, विवाद हो सकता है। कुंभ लगन से शनि महाराज जो है वो कुटुंब के भाव में गोचर करेंगे, तो आप ध्यान रखिए कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी। अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं तो कुटुंब में किसी प्रकार का विवाद हो सकता है। इस वर्ष मीन राशि से राहु बारहवें रहेंगे। बारहवां राहु जो है खर्चे बहुत कराता है, साथ ही बारहवां राहु इस बात का संकेत है कि आप आगे बढ़कर किसी से कोई लड़ाई झगड़ा मोल ना लें। अगर आपका कोई पुलिस केस वगैरह होता है तो बारहवां राहु आपको उसमें परेशानी दे सकता है। साथ ही ध्यान रखिएगा, अगर आपका इस वर्ष कोई कोर्ट केस आता है तो उसमें आपको सावधानी रखने की जरूरत है। और इस वर्ष माता के स्वास्थ्य को लेकर किसी प्रकार की चिंता हो सकती है, माता जी के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा।
तो मेरा ये मानना है अगर आपका कुंभ लगन व मीन राशि है तो वर्ष 2025 आपके लिए 55% तक बढ़िया जाने वाला है। ध्यान रखिएगा मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है। अब हम देखते हैं कि ये वर्ष हमारे लिए अच्छा जाए इसके लिए हमें क्या क्या उपाय करने चाहिए। देखिए पहले तो मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है तो शनि महाराज का तो उपाय आपको करना ही करना है। तो शनि महाराज के उपाय के तौर पर आपको शनि का दान करना है। एक तो आपको हर शनिवार को छाया दान करना है, दूसरा आप शनि की से जुड़ी वस्तुओं का दान कर सकते हैं, काली उड़द, काला कपड़ा, लोहे की वस्तुएं। और इसके अलावा आप कुंभ लगन व मीन राशि के जातक हैं, अगर आपको लगता है कैरियर में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप जैसा चाहते हैं वैसा नौकरी में नहीं हो रहा, आपका मन मुताबिक काम नहीं हो रहा, व्यापार में आपको कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो आप शनि महाराज को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जी को चोला चढ़ा सकते हैं। आप 8 शनिवार हनुमान जी को चोला चढ़ा दीजिए, फिर देखिए आपका काम कितना बढ़िया होगा। क्योंकि कहते हैं कि शनि महाराज को अगर प्रसन्न करना है तो हनुमान जी की पूजा की जाए। चोले के लिए आपको विधि विधान से चमेली का तेल, सिंदूर, चांदी का बर्क, 5 मोतीचूर के लड्डू और 5 लेकर मंदिर में जाना पड़ेगा। पुजारी से पहले समय तय कर लीजिएगा और 8 शनिवार लगातार चूल्हा चढ़ाइए। जब हनुमान जी का चूल्हा चढ़ जाए तो वो चोले का सिंदूर अपने माथे पर ग्रहण कीजिए और परिवार के सदस्यों को भी लगाइए। परिवार में किसी को मानसिक परेशानी या डिप्रेशन है तो वो सिंदूर आपके बहुत काम आने वाला है। तो इस तरीके से शनि महाराज की साढ़ेसाती में भी आप हनुमान जी की पूजा करके लाभ उठा सकते हैं। मीन राशि से राहु 12वां चल रहा है जो कि खर्चे भी कराएगा, कोर्ट केस और पुलिस केस में परेशानी भी देगा, इसलिए राहु को शांत करिए। राहु को शांत करने के लिए आप सबसे बड़ा उपाय है कि बहते पानी में कोयले प्रवाहित करना। ये कोयले आप बुधवार या शनिवार को प्रवाहित कर सकते हैं बहते हुए पानी में। और आप राहु के लिए 4 मूली मंदिर में दान कर सकते हैं बुधवार के दिन। मूली के हरे पत्ते हटा लीजिएगा, सफेद हिस्सा दान करना है। केतु क्योंकि सप्तम में रहकर दाम्पत्य जीवन में परेशानी दे रहे हैं तो केतु के लिए आप कम्बल का दान कर सकते हैं बुधवार को गणेश जी के मंदिर में, चितकबरी कम्बल का दान। कुत्ते को रोटी दे सकते हैं, 4 नीम के पेड़ लगा सकते हैं। और वर्ष में कुछ समय जो है, जैसे वर्ष का जब आरंभ होगा तो गुरु इतना पॉजिटिव नहीं होगा, तो 1 जनवरी से लेकर 13 मई के बीच में आप गुरु की रेमेडी करिए, जिसमें आपको पीली वस्तु का दान कर देना है हर गुरुवार को। वो पीली वस्तु चने की दाल भी हो सकती है, हल्दी भी हो सकती है, पीला कपड़ा भी हो सकता है। और गुरुवार को गाय को भीगी हुई चने की दाल खिलाइए और रोज गाय को रोटी दीजिए 1 जनवरी से लेकर 13 मई के बीच में। तो आप ये सब रेमेडी करते रहेंगे तो कैरियर आपका बढ़िया चलता रहेगा। तो मेरा ये मानना है कि कुंभ लगन व मीन राशि में, मीन राशि पर शनि की साढ़ेसाती चल रही है, लेकिन तब भी देव गुरु बृहस्पति की ऐसी कृपा हुई है कि ये वर्ष आपके लिए 55% तक बढ़िया जाने वाला है। तो पुनः आपको नववर्ष की बधाई। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।